सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायरेक्ट इंटरनेट से प्लेन टेक्स्ट कैसे कॉपी करते हैं। होता क्या है, जब हम इंटरनेट से कुछ कॉपी करते हैं और जब उसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी साथ में आ जाती है, जैसे हाइपरलिंक आ जाएगा, अलग अलग तरीके के फॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इसके साथ ही मतलब पेस्ट करने के साथ ही बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम सिर्फ प्लेन टेक्स्ट ही कैसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेंगे कि इंटरनेट से जो भी डेटा हम कॉपी करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एकदम प्लेन टेक्स्ट में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर हमने आईफिल टावर सर्च किया हुआ है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट वाला जो पैरा है ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबाया, हमने इसको कॉपी कर लिया। अब उसके बाद चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड पे और जैसे ही हम यहाँ देखिए पेस्ट करेंगे तो आपने देखा कि बहुत सारा ये देखिए हाइपरलिंक भी साथ में आ गया, अलग अलग तरीके के फॉन्ट आ गए। अब अगर हमें प्लेन टेक्स्ट में चाहिए तो ये देखिए नीचे एक छोटा सा बॉक्स बन करके आ रहा है, ठीक है, ये रहा। इस पर जब हमने क्लिक किया तो नीचे देखिए तीन ऑप्शन दिखा रहा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, अगर इसको चूज करते हैं तो जो हम जैसी फॉर्मेटिंग है वैसी ही रहेगी। अगर दूसरा वाला सर्च करते हैं मतलब क्लिक करते हैं तो मर्ज फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अगर तीसरा वाले पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा जैसे हमने तीसरे पे कर्सर हम अपना ले गए एकदम सारी फॉर्मेटिंग हट गई और सिंपल टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट यहां पर शो हो रहा है। बस इस पर क्लिक कर दीजिए और आपकी जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सब एकदम प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगी।